सभी को मेरा प्रणाम। देवभूमि उत्तराखंड की इस पावन धरती माँ नन्ना देवी राजद के मुख्य पड़ाव कुलसरी से मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। अपने इस ब्लॉग को प्रारंभ करने के लिए मैं आज आप सभी लोगों के सम्मुख आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस क्षेत्र की सभी क्रियाविधियों को, क्रियाकलापों को, सैनिकों को, रीति रिवाजों को आप तक पहुँचाऊँ और आपको उससे रूबरू कराऊं। इस कार्य को करने से पूर्व सर्वप्रथम जो हमारी मान्यता है, हमारे जो संस्कार है, हमारी जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो परंपरा है, उससे हम लोग प्रारंभ करें और ताकि जो हैं हम जो हैं समाज में जो भी नाना प्रकार की सारी गतिविधियां हैं वो हम प्रदर्शित कर सकें, उसको अवलोकित कर सकें, उसको देख सकें, उसका आनंद ले सकें। इसी के लिए मैं जो हूँ यह ब्लॉग प्रारंभ कर रहा हूँ। इसको प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम जो हमारी मान्यता है, हमारी जो है संस्कार हैं, हमारे रीति रिवाज हैं और हमारी जो परंपरा है देव स्तुति की, उससे प्रारंभ करते हैं और उससे वहाँ से हम अपने उस इष्ट देव से अनुमति लेकर के हम जो हैं इस कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए हम जो हैं सर्वप्रथम उस देवभूमि में चलें, उस माँ के चरणों में चलें, उस स्थल पर चलें जहाँ से हमें अपना कार्य प्रारंभ करना है। तो आइए हम चलते हैं। यह है मेरे आराध्य देव का मंदिर जिसमें हम जो हैं उनकी स्तुति करेंगे और अपने कार्य को प्रारंभ करने के लिए उनसे अनुमति लेंगे। तो आइए थोड़ा माँ के चरणों में दीप प्रज्वलित करते हैं और उनसे आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार से हम अपनी गतिविधियों को प्रारंभ कर रहे हैं और आगे आपको जीवन में निरंतर हम जो हैं अपनी इस क्षेत्र की सारी सुंदरता को, इसकी गतिविधियों को हम दिखाते हैं। तो चलिए हम अगले वीडियो की ओर प्रस्थान करते हैं। पूजा पूरी हो गई है। पूजा में हम लोगों ने हल्दी की पिठाई लगाई है क्योंकि हल्दी की पिठाई किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले लगाने से वह शुभ माना जाता है और यही जो है हम लोगों ने किया है। और पूजा करते करते जो है थोड़ा सा समय भी ज़्यादा हो गया है और बाहर मौसम थोड़ा सा बदल सा गया है। आसमान में बादल छा गए हैं, हल्के हल्के बौछारें हो रही हैं और ठंडी हवाएं भी बह रही हैं। बहुत सुहाना मौसम हो गया है। मैं जैसी ही पूजा करा मुझे एक शुभ सूचना मिली। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास एक फोर्स गाड़ी है जो कि मैंने जो 5-6 साल पुरानी है, मैंने उसको बेचने का मन बनाया था और उसकी सूचना मैंने जो है ओवरलैक्स पे डाली थी। तो अभी जैसे ही मैं पूजा करके बाहर निकला तो मुझे फ़ोन आया कि जो है कुछ लोग उस गाड़ी को देखने के लिए आ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो है आज मैंने यह कार्य प्रारंभ किया और जो है तभी मुझे यह सूचना मिली है और मैं जो हूँ बहुत खुश हूँ कि जो है किसी कार्य को प्रारंभ करने से
के तुरंत बाद ही यदि कोई सूचना मिलती है, कोई शुभ सूचना मिलती है, तो वह एक शुभ संकेत माना जाता है। यह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी थोड़ा सा नीचे अपनी गाड़ी की ओर जा रहा हूँ और यह देखता हूँ कि जो है वो ठीक ठाक है, क्योंकि वो लोग आ रहे हैं, वो लोग भी देखेंगे। जेब में चाबी लेके जा रहा हूँ, ये फोर्स गाड़ी की चाबी है, और मैं जो हूँ उनको दिखाने के लिए मैं गाड़ी की ओर जा रहा हूँ कि वो जैसे ही वो आते हैं तो उनको जो है उस गाड़ी का दीदार कराता हूँ। तब तक मेरे साथ बने रहिए, चलिए मैं आपको अपनी गाड़ी का अवलोकन कराता हूँ। देखिए यह मेरी गाड़ी है और यह बहुत सुंदर सफ़ेद रंग की, और इसका नंबर UK 1160 है। मैंने इसमें बहुत सफ़र किया है, बहुत अच्छी लगती है। बेचने का मन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पुरानी हो गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यह जो है बच्चों को लाने ले जाने का काम करती है, लेकिन जो है मुझे उसको बदलना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ इसके नियम हैं और इसको जो है बदलने के लिए मुझे कहा गया है। मन तो नहीं कर रहा है कि इसको, भी बहुत सुंदर है। मैंने पहली जीवन में पहली गाड़ी ली है, जो यह फोर्स ली थी मैंने, और इसी से मैंने ड्राइविंग भी सीखी और इसको मैंने काफ़ी चलाया भी है। और आज मुझे थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि मैं इसको बेचने का मन बना रहा हूँ। यह अति सुंदर गाड़ी है। तो यह है मेरी फोर्स गाड़ी, आपने देखी और इसका लुक आपने देखा होगा, आपको भी पसंद आया होगा। अभी जो लोग गाड़ी देखने आ रहे थे, उनका फ़ोन आया कि जहाँ से वो लोगों को आना था वहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है। वो कह रहे थे कि बाहर निकलना बहुत असंभव हो रहा है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, जब भी आपका मन करे आप आ सकते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने यह गाड़ी देखी है और उनको यह गाड़ी पसंद भी है और वह उसे अवश्य ख़रीदना चाहते हैं। तो मैंने कहा आपका स्वागत है, आप कभी भी आइएगा और उसके बाद हम उसके संबंध में बात करेंगे। तो यह अच्छी बात है कि वो लोग इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं। तो आज समय भी काफ़ी हो गया है और मुझे आशा है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आपसे पुरजोर मेरा निवेदन है कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगली वीडियो के लिए मैं पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय माँ नंदा देवी बधाणगढ़ी।